हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ अग्निवीर जीडी ट्रेडमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम 2024 का जो एग्जाम होगा उसके लिए, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। बच्चों, आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जो स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइट, फोकस क्या है? बता दो चारों ऑप्शन में, सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी एनर्जी को चुना, ऊर्जा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बता दो चारों ऑप्शन में, सही आंसर चुन लो। और बच्चों, कल का क्लास नहीं आया था क्योंकि हमारा फोन थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए नया फोन खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ और पैसे का प्रॉब्लम है, इसीलिए दूसरे का फोन से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हम आपको डेली के डेली वीडियो देने का कोशिश करूंगा, लेकिन आपका सहायता में हम जरूर नया फोन ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, भारत का पहले रक्षा मंत्री कौन है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी बलदेव सिंह को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बलदेव सिंह होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? बता दो, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, इसका राइट आंसर बता दो, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए सिक्किम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सिक्किम होगा राइट आंसर, सिक्किम होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द दनाचर्य अवार्ड इज गिवन टू, देख लीजिए दनाचर्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, कोच के लिए, म्यूजिशियन के लिए, पोएट या डॉक्टर के लिए? बता दो चारों ऑप्शन में, सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है, इसी चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों, बिल्कुल यहां पे हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, कोच प्रशिक्षक चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोकोडाइल बिलोंग टू व्हिच एनिमल क्लास, मगरमच्छ किस पशु वर्ग का है? बता दो चारों ऑप्शन में, सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। मगरमच्छ किस पशु वर्ग में आता है? तो दोस्तों, इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, रेप्टाइल्स सरीसृप को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस, देख लीजिए गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस मौजूद होता है? बता दो चारों ऑप्शन में, सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चों इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। गोबर गैस में कौन सा गैस मुख्य रूप में मौजूद होता है? तो दोस्तों, हमारा जो स्टूडेंट इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा ऑप्शन डी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथेन होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जो स्टूडेंट
अग्निवीर का नया तैयारी कर रहे हो और इसी साल में एग्जाम दिया लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, अब ज्यादा से ज्यादा PVRCR का क्वेश्चन पढ़ो जो पिछले 7 या 8 ईयर के अंदर पूछा गया, 15, 16, 17 में पूछा गया, वही क्वेश्चन पढ़ो, आपका वही सेम टू सेम क्वेश्चन ही दे देता है आपका एग्जाम में। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन मिला तकरीबन आपका 1500 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्वेश्चन आप खरीदना चाहते हो तो दोस्तों आप 99 रुपया पेमेंट करके वो PDF खरीद सकते हो। वो दोस्तों जो बंदा लेना चाहते हो हमारा इसी नंबर पे कॉल कीजिए अभी और ले लीजिए, ये देखो डिस्क्रिप्शन में भी यही नंबर है, आप कॉल कीजिए, पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी देकर अभी ले लीजिए पेमेंट करके। तो दोस्तों कोई धोखाबाजी कोई फ्रॉड नहीं होगा, सभी ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा, PDF फॉर्म में मिलेगा। तो दोस्तों देखो किस तरह है PDF। तो दोस्तों इसी तरह आपका ARO वाइज क्वेश्चन आता है, देखो ARO आपका वाराणसी का है, जनरल ड्यूटी का है, GD ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग सभी का मिलेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया यही क्वेश्चन हम उठाकर PDF के फॉर्म में बना दिया है, ये सेम टू सेम रहेगा, 1500 प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों जरूर आप कॉल कीजिए और अभी ले लीजिए। और दोस्तों हमारा फोन भी खराब हो गया, नया फोन के लिए थोड़ा सा पैसा भी चाहिए, तो दोस्तों हमारा ये PDF खरीद लीजिए और हमारा भी थोड़ा पैसा हो जाए और आपका भी पढ़ाई हो जाए। तो दोस्तों जरूर अभी कॉल कीजिए और ले लीजिए। तो दोस्तों इसी नंबर पे अभी कॉल कीजिए और ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट स्टैचू इन इंडिया, देख लीजिए भारत में सर्वोच्च जो स्टैचू है वो स्थित है, सॉरी आपका कौन सा है सर्वोच्च स्थिति कौन सा है बता दो, इमारत या स्थिति कौन सा है बता दो, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, स्टैचू ऑफ यूनिटी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है ये, ओके ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, करेंसी नेम ऑफ चाइना, देख लीजिए चीन का मुद्रा का नाम है क्या है बता दो, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बताओ, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चाइनीज यन होगा राइट आंसर, चीनी वन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अयोध्या बैंक ऑफ व्हिच रिवर, देख लीजिए अयोध्या कौन से नदी के तट पर स्थित है बता दो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों अयोध्या आपका शरू रिवर के पास में स्थित है, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, देख लीजिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बता दो, चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो शुद्ध जल है उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू कितना है बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन सी 7 को चुना या न्यूट्रल होगा, ओके न्यूट्रल कहा जाता है 7 को, 7 डिजिट को न्यूट्रल कहा जाता है pH वैल्यू का मान, ओके 7 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु गिवन द स्लोगन आराम हराम है, देख लीजिए आराम हराम है एक नारा किसने दिया था बता दो, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, अभी आप आराम करोगे तो जिंदगी भर हराम हो जाएगा, इसलिए बच्चों आप ही मेहनत करो, एक दो मंथ अच्छा तरह मेहनत करो, आपका एग्जाम यही से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर आप अच्छा तरह पढ़ाई करो, ओके मेहनत करो वही बेहतरीन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दो, तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब, देख लीजिए लाइट बल्ब का खोज किसने किया था बता दो, चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थॉमस एडिशन होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थॉमस एडिशन होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, देख लीजिए एड्स दिवस डैश पर मनाया जाता है, बता दो मनाया गया या मनाया जाता है, बता दो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन सी 1 दिसंबर को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, Who has become the new lieutenant governor of Ladakh? देख लीजिए लद्दाख का नया उप राज्यपाल कौन बना है, बता दो चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, बी डी मिश्रा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, बी डी मिश्रा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, Who lead the revolt of 1857 in Lucknow? जिन्होंने लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिया था, किसने दिया था बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो स्टूडेंट नया हो वो प्लीज सब्सक्राइब करके जुट जाइए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा आपका एग्जाम के लिए, ओके। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और पीडीएफ अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए बच्चों, नया फोन भी खरीदना पड़ेगा, पैसा जरूरत है, तो दोस्तों हमारा भी हेल्प हो जाए आपका भी हेल्प हो जाए, तो दोस्तों जरूर खरीद लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। तो दोस्तों हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, बेगम हजरत महल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन, Which state is the largest producer of cotton in India? देख लीजिए भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, बता दो उत्तराखंड है, झारखंड है, गुजरात है या कर्नाटका, बता दो चारों ऑप्शन में सही आंसर चुनो, और बच्चों तुक्का मत मारो, तुक्का मारेगा तो 100 में 100% फेल, तुक्का मारेगा तो 100 में 100% फेल, क्योंकि 10 क्वेश्चन तुक्का मारेगा तो 1 या 2 क्वेश्चन राइट हो सकता है, बाकी 8 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और 8 क्वेश्चन गलत होकर आप कभी भी पास नहीं होगा, इसलिए तुक्का मत मारो, आप मेहनत करो, 1-2 मंथ में देखोगे आपका डेवलप हो गया है बहुत दिमाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, गुजरात को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन करता है हमारा देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम, देख लीजिए एसआई पद्धति में लेंस का शक्ति की इकाई क्या है, बता दो शक्ति मापने का इकाई क्या है, बता दो चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, अब बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डायोपीटर होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज द ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड, देख लीजिए नीली क्रांति का संबंध किससे है, बता दो चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट चुनो, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फिश प्रोड्यूसर होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, When water freezes, it is density. देख लीजिए जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों पानी जम जाता है तो अभी 10% है तो वहां पे 1% बढ़ जाता है, मान लीजिए 100% वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, लेकिन जब जम जाता है तब 100+10 कर दो, 10% ज्यादा हो जाता है, तो दोस्तों इसीलिए उसके जो घनत्व है अंदर का वो घट जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, घट है या डिक्रीज होता है, ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रश्न पत्र का, विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, देख लीजिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, कहां स्थित है, कोल्हापुर, कलकत्ता, हैदराबाद, कन्याकुमारी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों हमारा जो स्टूडेंट इसी चारों ऑप्शन के अंदर ऑप्शन डी को चुना, कन्याकुमारी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो स्टूडेंट पीडीएफ अभी तक नहीं लिया पीवीआरसीआर का, जरूर हमारा इसी नंबर पर कॉल कीजिए और पीडीएफ अभी कॉल करके ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।